Good morning guys, welcome back to our new video. So today we are gonna play Minecraft. अपना ढोलकपुर में अपन जाने वाले हैं। अपना लास्ट एपिसोड में अपना घर बनाना बाकी रह गया था क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन गई थी। तो चलिए आज अपना पार्ट टू है घर बनाने का, तो चलिए बनाते हैं। अरे भाई, अरे हम भी स्पॉन हो गया। अरे गोलम, तो चलो अभी अपना घर इतना कुछ कंप्लीट हुआ है, अभी इसको और कंप्लीट करना है अपने को। तो एंट्रेंस ये सब अभी मैं बनाना आ रहा हूँ। सामान चाहिए क्या? सामान चाहिए नहीं 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 चाहिए, ठीक है अपने पास इनफ है। वाह, सच अ ब्यूटीफुल हाउस। मैं भाई फिर आयरन का डोर लगाऊंगा और गोल्डन ट्रैप डोर, मतलब ट्रैप डोर नहीं क्या कहते, प्रेशर प्लेट। अरे यार क्या गलती कर दी मैंने फिर से। हाँ तो अभी ऊपर से अपने को यहाँ पर डिजाइन बनानी है। ऐसे नहीं आता, मैं गलत कर दिया ना, तो मैं गलत तरीके से लगाया। अभी इसको पूरा, अभी इसको बस ओनली एंट्रेंस पे लगाना है। मेरे पास एक आइडिया आ रहा है गाइस मेरे दिमाग में, ये देखना। क्यों भाई क्यों क्यों ऐसा क्या? हाँ ठीक है, लीज भी लाया था। मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगेगा सबको, टाइम शेयर हुआ। ये देखिए गाइस क्या मस्त एंट्री लग रही है, ग्रैंड एंट्री गाइस, ग्रैंड एंट्री। नहीं अपन यहाँ पर मम्मी को ट्रैप डोर लगाना पड़ा, उसके लिए को बोले ई पे जाके क्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग टेबल बना। यहाँ पे एक ट्रैप डोर चाहिए, ट्रैप डोर शायद से है बस घर पे शायद से। मैं जानता हूँ विलेजर्स, मैंने तुमसे बहुत टाइम से ट्रेड नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल गया। मैं जल्दी तुम्हारे साथ ट्रेड लूँगा। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर शायद से। कहाँ पे है यार? यहाँ पर ये क्या? हाँ ये रे, ये देखिएगा इसके मस्त एंट्री लग रही है। यहाँ पे एक दरवाजा लगा दो, ना रुको। अरे मैं रुक रहा हूँ, गलती से बोल गया। नहीं गलत लग गया ये, परफेक्ट परफेक्ट सॉन। तो चलो बाकी का कंटिन्यू करते हैं। ये अपनी एंट्रेंस बन गई, इतनी सी कुछ छोटी सी एंट्रेंस। आपने मेरे पास एक्सपीएम भूल गया था। मैं को साइड से निकालना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ। देखो मेरे दिमाग में देखिए अब क्या आइडिया आ रहा है।
फिर दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, मैं यहाँ से स्टेयर्स खींचूँ, यहाँ से अच्छी लगेगी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है हमें। ये देखिए अभी अपना सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे अपना बेडरूम रखेंगे, नहीं यहाँ पे अपन चेस्ट रूम ये सब रखेंगे। तो मेरे मन में जो आइडिया आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इतना कुछ एरिया फार्म और यहाँ पे कुछ बेडरूम वगैरह, तो ये सही आइडिया है। अभी नीचे चल के नीचे यहाँ पे स्टोर रूम रखते हैं, पूरा स्टोर रूम। स्टोर रूम के लिए बहुत छोटा लग रहा है ये। और अभी अपने को यार वो भी लाना है सैंड ग्लास के लिए, तो चलिए सैंड। अरे भाई साहब गॉड, एक आयरन शेवल बना लेते हैं। बोलो भाई, बोल भाई, राम राम। चलिए अभी अपने को, जब तक ये शवल टूटती नहीं जब तक अपने को ये माइंड कर लो। मत कुछ गटक से वापस आ गया। पहले जितने भी सैंड अभी तक मैंने खो दिए, इन सबको कलेक्ट कर लेता। तो ये कलेक्ट हो चुकी है इतनी सी कुछ सैंड, अभी वी नीड मोर सैंड। जल्दी से आपको मिलता हूँ सैंड कलेक्ट करके, जल्दी से मिलता हूँ 2 मिनट में। आपको तो खैर 2 मिनट में दिखेगा, नहीं तो मेरे को तो बहुत टाइम लगेगा। देख रहे हो भाई ये टर्टल शेल का फायदा। जल्दी जल्दी कलेक्ट करो भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाने का टाइम नहीं अपने पास। हमने को विदिन आधे घंटे घर बनाना, और वो भी एकदम से सुंदर सा आलीशान महल। जल्दी से ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिया है।
जल्दी जल्दी माइन करना पड़ेगा अपने को। कितने साउंड का लगता है भाई? 3 स्टार। हाँ तो रही है, जल्दी जल्दी करो। चलो 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 चलो, रेस्ट करके पीछे निकलूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ढोलकपुर। जल्दी जल्दी अपने को स्मेल्टिंग पे लगा देते हैं। 3-3 फर्नेस में स्मेल्ट। अभी अपने को यार ये जल्दी जल्दी स्मेल्ट हो जाओ बस। अरे बाबा ये ग्लास बनना चालू हो गया, जल्दी जल्दी हो जाओ बस, टाइम नहीं है बस। तो अभी अपन आगे का प्रोसेस अब तक चालू करते हैं। तो यहाँ पे फेंस लगाते हैं मेरे हिसाब से। तो छ 7 8 9 9 ये रहा सेंटर, नहीं ये सेंटर, 10 10 चलो 10। यहाँ से फिर सीधा भागो, इसको पूरा ऐसे कवर करना अपने को। ये अपना पूरा का पूरा बेडरूम है जहाँ पे अपना जो भी मेन सामान रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। मेरे हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को रूम बस इतना सा रखना चाहिए, इतना सा एरिया। देखो बस इतना सा ऐसा रूम काफ़ी, इतना सा नहीं बस बेड लगा लेंगे, कुछ डेकोरेशन कर देंगे, बस इतना काफ़ी है। इतना अपना रूम रहेगा और बाकी इतना कुछ एरिया कुछ रख देंगे काम। हाँ
मैं इसको सोच रहा हूँ कि जो है ना जितना भी एरिया ना इसको डिवाइड करके एक एरिया अपना पूरा बेडरूम रखूँगा और जितना दूसरा एरिया ब्रूइंग ये सब के लिए रखूँगा। एक दो तीन चार वुड कम पड़ रही है थोड़ी सी शायद से, पर नहीं भाई इनफ है। भी इसको इतना अपने को कॉर्नर कॉर्नर से ब्रिज करना है, नहीं यहाँ से भी तो। गाइस मैं आपको मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ, वो मेरे साथ ही माइनक्राफ्ट खेलता है रो कभी कभार। तो एक दिन मैं दो तीन दोस्त खेल रहे थे उसके साथ, वो मतलब इतना इरिटेटिव है, वो लिटरल वो सामान वो एक दिन ना उस बंदे के साथ भी वीडियो बनाऊंगा, वो तो इतना इरिटेटिव है, वो बंदा कभी कुछ खुद कुछ ग्राइंड नहीं करेगा, दूसरों से लेता है। बंदा ने डायमंड आर्मर मेरे एक दोस्त से लिया था, मतलब ऐसा बंदा है वो दिमाग खा जाता है पूरा। जो ज़ॉम्बी आ जाता है एक दम सब पागल हो जाता है, ज़ॉम्बी आ गया सामान सामान ज़ॉम्बी आ गया बचा ले भाई। और वो बंदे की और वो इतनी चोरी करता है और दिखाता है ऐसे भाई मैं बहुत प्रो प्लेयर हूँ माइनक्राफ्ट में, पर उसे कुछ आता है नहीं। एक दिन मेरे को गुस्सा, मेरे से पूछा समझ रहा है डायमंड आर्मर दे दे तेरा, मतलब भाई इतनी चप्पल मारूंगा माइनक्राफ्ट वालों को। बोला कि माइनक्राफ्ट वालों जी अगर आप एक चप्पल ऐड कर सके तो कर दीजिए, मैं इनको मारूंगा पहले सबसे पहले। ये हाँ करने के अलावा कुछ नहीं करते क्या दुनिया में? भाई इतने इरिटेटिंग लोग हैं ये ठीक। एक काम करो फिर से विलेजर्स के पास जाता हूँ, यार विलेजर्स के पास चल के आते हैं। मेरे को ऐसे ही फ्लेचर से ट्रेड करनी है, मैं तो फिर वो ट्रेड महंगी कर देता अगर से दो तीन दिन ट्रेड नहीं कर जाएगा। इतना है करते रहते हैं, ये गला नहीं सूखता क्या? ग्लास भी देख के आना है अपने स्मेल्टर में कभी, और अगर ग्लास देख कर आते हैं और विलेजर्स के पास भी चल के आते।
और भाई विलेजर्स क्या हाल सुनाई दे रहा है? बहरा नहीं हूं मैं। अभी यार ग्लास पेन बनाएंगे अपन। ग्लास पेन ऐसे बनता कैसे भाई? टिंटेड ग्लास यार, पर उसके लिए ग्लास पेन। भाई इनफ है दोस्तों, इनफ है बस। अरे टिंटेड ग्लास ऐसे, वो टिंटेड ग्लास पेन आता है ना, वो टिंटेड ग्लास पेन चाहिए, वो ब्लैक कलर का। ची भाई ची ची, ये अच्छे लगते हैं। ब्लैक वूल चाहिए इसके लिए यार। शिट पहले सो जाते हैं अपन। चलो छोड़ा यार, नॉर्मल ही लगा लेना। कोल तो अपने पास ऐसे बहुत सारे, तो कोल से ही बन सकता है ना। दिमाग देख रहे हो गाइस मेरा। अरे भाई पूरा हो, बस 30 कोल आ रहा है बस। डाई बनानी पड़ेगी। चलो छोड़ा भाई, प्लेन ला रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यार डाई ग्राइंड करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। पहले अपना जो नीचे काम है ना, ये ग्लासेस का, यहाँ पे लगा देता पहले यार। भाई गलत प्लेस ना हो जाए, नहीं तो फिर सिल्क टच का कुछ सामान चाहिए उससे, अंदर जाके लगा दें। वाओ, वेरी डेंजरस। लॉर्ड पुनीत, चलो गाइस अभी अपना ये घर फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, तो इसके लिए एक प्यारा सा डांस। मैं तो ब्रश कर रही थी, डांस ऑफ कर रही थी, मुझे बंदर ने बुलाया, बोला पिंग पिंग पिंग। चलो बैक टू वर्क, डांसिंग डन। यहाँ पे भी ग्लास लगाए, बाद में लगाएंगे। मुझे बंदर ने बुलाया। क्या कर रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? मैं कितना अच्छा खेल लेता हूँ ना माइनक्राफ्ट। अब ऐसे मत कर भाई, क्या जोक मार रहा है? हेलो गाइस, आवाज आ रही है? मैं आफ्टर किलिंग गोलम गोलम भी लाइक सोबे बाबा ताई लिहा जा पात में। सम सर्वाइवल वर्ल्ड में मेरे को मार के सारा आयरन ग्राइंड करके इसने अपनी औकात दिखा दी।
मैं कितना अच्छा माइनक्राफ्ट खेलता हूँ गाइस, मेरे को आज पता चला। देखिए जल्दी जल्दी प्लेस करना है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कौन नहीं टाइम नहीं है भैया। अब इसको पूरा ग्लास से कवर कर देते हैं। नहीं वो दो साइड बची है। व्हाट द हेक, ये मस्त डिजाइन है भाई, क्या तो बस ऐसे ही कर रहा था। वाओ वेरी डेंजरस, नहीं अच्छी लग रही इतनी। वैसे नए नए ब्लॉक छोड़ दे, नीचे कैसे छोड़ दे। बंदर ने बुलाया। वाओ वाओ वेरी डेंजरस, सच अ नाइस पीस ऑफ आर्ट। देखो गाइस, अगर तुमको कुछ भी अगर अपना माइनक्राफ्ट का घर बनवाना है, कॉन्टैक्ट करें मेरे चैनल को समर साई शर्मा। वाओ वाओ, चलो अभी इसको अपने को ऐसे ही करना है दोस्तों। ये ऊपर वाली लेयर स्टोन ब्रिक से होगी ना। अच्छा मैं जान गया, मैं समझ गया गाइस। देखिए अब इसमें क्या है, अपने पास अपने को दिमाग चाहिए, दिमाग अपने को यूज़ करना है। इसमें इतना दिमाग चाहिए कि हर कोई पास नहीं कर सकता। यहाँ पे वोट लगानी है दोस्तों सब लोग। यहाँ पे मौत को छू के टक से काम करते हुए हम, अरे ये भी कर देता हूँ ना अभी, फिर बाद में करने की आफत रही है। मेरा प्लैंक उड़ गया हवा में। मुझे तेरी याद है, ये नहीं यहाँ पे ही है, अरे कितने सारे प्लैंक यहाँ पे गिरे हैं। इनको प्लैंक उठा के लाऊंगा मैं, देखेंगे जान जाए पर प्लैंक ना जाए। भाई बड़ी मेहनत से ग्राइंड किया मैंने। अभी अपने को इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ये मेरे को नहीं लगता इस वीडियो में घर बन पाएगा, पर मैं आज बना के रहूँगा चाहे कितना ही हो जाए लेट। कोई नहीं भाई, मेरा बहुत टाइम है अभी। ठीक है भाई, समझ गया। ओके अभी हो गया। ये अपने को एक एक ब्लॉक छोड़ के ये डिजाइन करते हैं। अरे हाँ यहाँ से जाओ, यहाँ से ओनली कॉर्नर से ब्लॉक लगाना है। ठीक है
यहाँ से अभी अपन ने एक दीवार बना दी, दीवार तो दीवार वाओ गाइस सच अ ब्यूटीफुल। गाइस वुड खत्म हो गई है, अभी फिर से जाना पड़ेगा ग्राइंडिंग के लिए। इस डिजाइन को भी वैसे कर देता है। अरे हाँ एक गलती हो गई, यार वैसे क्यों गलती होती रहती है। देश के नौजवान जल्दी जाके सो के आ जाते। खा जा भाई तू खा जा। लगता है और वुड चाहिए। वाओ गाइस अपना घर कितना प्रीटी लग रही है, मतलब सॉरी गलत हिंदी, सो प्रीटी हाउस। अभी अपने को फेंस बनानी है। बस भाई कितना और चाहिए भाई, फिर अब मैं इतना ग्राइंड कर रहा हूँ। अरे हाँ गाइस मेरे दिमाग में एक बात फ्लैश ही नहीं हुई, मैं पागल हूँ क्या? नहीं कोई तुम जवाब ही मत देना, वो पता है नहीं तो तुम कह दोगे तुम पागल हो। स्टोन कट रही है रहा स्टोन की भी वो ब्रिक्स बनती है, वो बॉल बनती है क्या स्टोन की? अरे वाह स्टोन ब्रिक बॉल ही बन लिया तो भाई जज मत करना। चलो घर की वॉल भी लगानी है अब। खेलना नहीं है भाई। नहीं, वेरी वेरी बैड। यहाँ से नो पॉडी पॉडी।
भाई दो दो गोलू भाई इनको मार के कितना हरन मिलेगा। कौन सोच रहा है इनको मारेगा, कौन सोच रहा है? मैं तो नहीं सोच रहा भाई, कोई गंदा इंसान ही होगा जो सोच रहा होगा। यालीशान महल, यालीशान महल पर टॉर्चेस नहीं है। सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूँ मैं। टॉर्चेस मिलते हैं उसे, जल्दी टॉर्चेस क्राफ्ट करो। हो गए टॉर्चेस क्राफ्ट। और भाई गोलू राम राम, ठीक है भाई जी, कितना आलिशान महल लग रहा है। अभी अभी अपने को इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है। और वुड चाहिए यार, और वुड चाहिए, और वुड चाहिए। और वुड क्यों चाहिए? स्टोन ब्रिक्स के बना लूंगा, स्टोन ब्रिक्स। अरे है अपने पास अभी भी ना, नहीं हो सकता है कुछ काम, पर नहीं होगा मुझे गारंटेड, इतना डैम श्योर हूँ। खुद के लिए ताली बजा रहा हूँ गाइस मैं। बस ये लगा के अपना पूरा हाउस बन, मतलब बनने वाला है 5 मिनट में। ये लगा के मैं आपको बस 5 मिनट में मिलता हूँ। तो गाइस अपना घर कंप्लीट हो चुका है, तो अपना घर ये कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से मैं घर सो के आ जाता हूँ, कि मेरे को इतने दिनों से चैन की नींद नहीं सोया मैं घर के चक्कर में। अभी अपन पूरा घर में एकदम सब पूरा सेटअप कर देंगे। ये और ये अपना ताजमहल भाई, इसको बनाने के बाद इतनी खुशी हुई है। और तू मर गया भाई, अब तू फूट दे भाई, इसको फूट दे, फूट दे भाई। यार ये घर बन गया फाइनली। इस घर को बनाने के बाद जितना मजा आया मेरे को, मैं कह नहीं सकता। चलो भाई सब यहाँ पे फार्म बनाते हैं, मेरे पास तो भाई कुछ टाइम ही नहीं है। मैं 2 मिनट फ्री कैसे बैठता हूँ। अभी तो भाई घर को डेकोरेट भी करना है अपने को, वो अपन अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि इस एपिसोड में तो मैं नहीं करूँगा, कि मैं कोई पागल नहीं हूँ।
ये आलिशान महल। अभी यहाँ पे अपन कई होल करते हैं, यहाँ पे जैसे एक होल। अरे एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर बनाना पड़ेगा। एक कैंपिंग में ये तो बस एक बार एक पानी डाल देते हैं, फिर उसके बाद हो गया भाई अपना घर कंप्लीट। उसके बाद और कुछ नहीं करना। चलो घर प्रवेश करेंगे अपन फिर अगले वीडियो में। वाओ गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल हाउस। वाओ गाइस, सो ब्यूटीफुल हाउस। मज़ा आ गया इस घर को देख के। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगले वीडियो में अपने को घर प्रवेश भी करना है, उसमें अपन मंत्र बुलाएंगे, पंडित जी बुलाएंगे, सब कुछ। ठीक है, चलो बाय बाय।